हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान की। साथ ही बात करेंगे 16, 17 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के किन इलाकों में बारिश की गतियाँ होने वाली है और राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाले हैं। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में सर्वप्रथम बात करते हैं संपूर्ण भारत पर बने मौसमी सिस्टमों की। बात करें तो वर्तमान में आप देख सकते हैं एक सर्कुलेशन राजस्थान के उत्तरी भागों से सटे पंजाब, हरियाणा व पाकिस्तान के इलाकों पर वर्तमान में केंद्रित हैं। एक लो प्रेशर एरिया की बात करें तो भारत के दक्षिणी भागों पर देखा जाए तो केरल व लक्षद्वीप के मध्य वर्तमान में केंद्रित हैं। एक लो प्रेशर एरिया देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से पूर्व में स्थित बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में केंद्रित है और इन दोनों सिस्टमों के मध्य एक ट्रफ बनी हुई है। राजस्थान के पश्चिमी व मध्य भागों में देखा जाए तो पश्चिमी शुष्क हवाओं का प्रभाव वर्तमान में आपको देखने को मिल रहा है और ये धीरे धीरे आने वाले 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों से इन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव खत्म होने की संभावना है और पूर्वी हवाओं का प्रभाव इन्हीं क्षेत्रों में बढ़ने को देखने को मिल सकता है। पूर्वी हवाओं की बात करें राजस्थान के पूर्वी भागों तक इन्हीं पूर्वी हवाओं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए सर्कुलेशन के प्रभाव से आने वाली शुष्क हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिस कारण से राजस्थान के पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले समय में आपको कम देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर संभाग तक आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। आइए आगे बात करते हैं आने वाले 3 दिनों में बारिश की गतिविधियों की। बात करें तो 17, 16 और 18 अक्टूबर की बात करें तो राजस्थान के आप देख सकते हैं उत्तर से लगाकर राजस्थान के मध्य भाग से लगाकर पूर्वी भागों तक बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। बाकी उत्तरी भारत के आसपास देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आपको भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पूर्वी हवाओं के साथ आने वाली नमी और WD के मिले जुले रूप के कारण इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। बाकी मध्य भारत में देखा जाए संपूर्ण मध्य भारत में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। आइए आगे बात करते हैं IMD के मॉडल के अनुसार देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में कैसा रहने वाला है मौसम। संपूर्ण भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं राजस्थान के पूर्वी भागों तक बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है आने वाले 24 घंटों के बाद, और लगभग देखा जाए तो शुरू जयपुर अलवर के आसपास आने वाले 24 घंटों में आपको बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। जिस बाकी देखा जाए तो कोटा संभाग के आसपास भी आने वाले 24 घंटों के बाद आपको बारिश की गतिविधियों की शुरुआत देखने को मिल सकती है। राजस्थान में बारिश की गतिविधियों की बात करें तो 16, 17 और 18 अक्टूबर को राजस्थान के किन इलाकों में मुख्यतः बारिश की गतिविधियाँ होने वाली है, जिनमें देखा जाए हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सहित देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। अलवर, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं तेज से मध्यम से कहीं कहीं आपको भारी बारिश की गतिविधियाँ इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती हैं। बाकी से राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में खंड से मध्यम तेज बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसलमेर सहित देखा जाए तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में आपको खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखा जाए तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा तेज या मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलेगी। बाड़मेर, जालौर, सिरोही के कुछ भाग और जोधपुर के कुछ भागों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हो सकता है एकाधिक इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, परंतु ज़्यादातर इलाकों में इन क्षेत्रों में उमस के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है, क्योंकि सर्कुलेशन के प्रभाव से आने वाली हवाओं का प्रभाव देखा जाए तो जैसलमेर से होते हुए गुजरने की संभावना है और पूर्वी हवाओं का प्रभाव देखा जाए तो चूरू, झुंझुनू, नागौर से होते हुए इन्हीं क्षेत्रों से गुजरने की संभावना है, जिस कारण से देखा जाए तो जोधपुर और बाड़मेर, जालौर के कई इलाकों में देखा जाए मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मानसून विड्रॉल की बात करें तो 14 अक्टूबर को देखा जाए तो आप देख सकते हैं संपूर्ण महाराष्ट्र व तेलंगाना के कुछ भाग से देखा जाए तो महाराष्ट्र मानसून विड्रॉल हुआ है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो मानसून जहाँ पहले 12 अक्टूबर को था वहीं मानसून की गतिविधियाँ रुकी हुई हैं। आइए आगे बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। आने वाले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू
सीकर, जयपुर के आसपास कहीं कहीं आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बाकी बात करें कोटा व बारा झालावाड़ के क्षेत्र में भी आने वाले 24 घंटों के बाद कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। और 16-17 अक्टूबर होते होते देखा जाए तो 17 अक्टूबर तक राजस्थान के मध्य भागों में कहीं कहीं तेज तो मध्यम से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें नागौर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारावा, झालावाड़ शामिल हैं। टोंक, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में देखा जाए तो इन संपूर्ण क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। हो सकता है एकाधिक इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए, जिसमें अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हैं। बाकी राजस्थान के देखा जाए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में खंड बारिश के साथ मौसम आने वाले 24 घंटों के बाद भी शुष्क रहने की संभावना है। 17 अक्टूबर की बात करें तो जैसलमेर व बीकानेर के कई इलाकों में आपको बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसानों के लिए सलाह है कि अपने खेतों की जुताई करके तैयार रखें और रबी की फसल के लिए जो बारिश की गतिविधियां होती हैं उसका लाभ उठाएं और अपनी रबी की फसल की बुआई कर लें। तो थैंक यू दोस्तों, आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर बने रहने के लिए।